आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस बारे में दे रहे हो आप? धन्यवाद शीतल जी। सर, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थी, जिसमें कि हम लोगों ने आज प्लान बनाया था कि हम डीसी सर से मिलेंगे। न्यूली अपॉइंटेड जो डीसी सर हैं, हमने आज उनका वेलकम भी किया और उनका अभी भी वेलकम है, राजेंद्र सिंह तारा जी, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से लास्ट 2-3 दिनों से लोगों के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव आज सर के साथ मिलने का ये था कि पूरे इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल कर रही है, और आप सब लोग देख रहे हैं कि करप्शन, ड्रग्स, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हर आदमी का सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए, इवन कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट चाहिए। तो आज हम डीसी सर से मिलने का हमारा मेन मोटिव यही था कि वो हमें इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर भी सपोर्ट करें। जैसे कि आप देखते हैं किश्तवाड़ का जो ग्राउंड है, जो वहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, लेकिन जहाँ पे लोग अच्छाई के लिए आते हैं वहाँ पे बहुत सारी बुराइयाँ भी उनको देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी हमें जो गलत चीज़ें दिखती हैं, तो हम उनके बारे में डीसी सर से मिलने गए थे। उसके साथ साथ हमारे कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें गलत दिखने को मिलती हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के अंदर। उसके साथ में आप स्पेशली आप देखो हॉस्पिटलिटी है, यहाँ पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की जो हॉस्पिटलिटी है वहाँ पर भी मैनेजमेंट, तो हमें बहुत सारी इश्यूज़ यहाँ पे दिखते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हम चाहते हैं डीसी सर हमें पूरा कोऑपरेट करें और हम लोग मिलके यहाँ पे जितने भी इश्यूज़ हैं आपके साथ मिलके हम पूरा कोऑपरेट करते हैं और इस इश्यूज़ को कम करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो डीसी सर ने भी हमें पूरा इंश्योर किया है कि हम आपके साथ मिलके इस पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छा चेंज लेके आएंगे, और इसी के ऊपर आज हमारी बातचीत थी डीसी ऑफिस में। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल, इसके नाम में ही इंटरनेशनल है, दैट मींस इसका जो हेड ऑफिस है ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और बेसिकली ये पूरे इंडिया के अंदर जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स आती हैं हर एक स्टेट के अंदर इसके ग्रुप्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं बड़े लेवल पर। आप इसका यूट्यूब चैनल भी है IHRCCO के नाम से, और आप उस पर जाके इसके बारे में सारा कुछ देख सकते हैं। और ये पूरे नेशनल के अंदर, नेशन के अंदर इसको बहुत सारे रिवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है, और ये मतलब लोगों के वेलफेयर के अंदर बहुत बढ़िया वर्क कर रही है आज की डेट में पूरे इंडिया के अंदर। तो हमारा भी सौभाग्य, हम इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी, जो आप हमारी आवाज़ भी लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो इसमें हमारा लोगों के लिए भी एक ओपन ये है कि अगर किसी के साथ कोई इनजस्टिस होता है, कुछ होता है, वो ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल के साथ मिलके हम उनके साथ फाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।